वंदित्तु सर्व सिद्धे धूमचल मनोभवम गतिमिपत्ते बोच्छामि समय पाहुर मिणमो सुद केवली भणियम। भव्यात्माओं, समय सार ग्रंथराज और उसमें अंत में सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार, आप सुन रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं गाथा 353। भव्यात्माओं, ये समयसार का प्रवचन केवल मात्र प्रवचन ही नहीं है, आपके लिए एक अध्ययन है। आप सामने अगर ग्रंथ लेकर बैठे और जिस ग्रंथ के आधार से मैं आपको सुना रही हूँ, जम्बूदी भस्त्रापुर से प्रकाशित, अगर वही ग्रंथ आपके हाथ में रहेगा तो आपको जो समयसार की मूल गाथाएं श्री कुंदकुंद देव की, उन पर दो टीकाएं हैं, श्री अमृतचंद सूरी विरचित आत्मख्याति और श्री जयसेन आचार्य विरचित तात्पर्य वृत्ति टीका, और मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया है। इसमें दोनों टीकाओं को लेकर के उनके अर्थ को समझते हुए यदि आप अर्थ करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो कभी भी समय सार शास्त्र शस्त्र नहीं बनेगा। अन्यथा देखा जा रहा है किन्हीं किन्हीं के लिए ये ग्रंथ, ये शास्त्र शस्त्र के समान स्वयं के घातक भी बन जाते हैं। तो भव्यात्माओं, ये आपका अध्ययन, आप देखेंगे गाथा 353। कमे ही अदु अन्नानी किज्जदी नानी तहेव कमे हिम स्वाविज्जयी जग्गा विज्जयी तहेव कमे हिम सुहा विज्जयी दुखा विज्जयी तहेव कमे हिम कमे मिच्छत्तम निज्जदिय चा संयमम चेव। श्री कुंदकुंद देव अन्य किसी का पूर्व पक्ष रखते हुए, एकांति का पूर्व पक्ष रखते हुए, जो एकांत मतावलंबी हैं उनका पूर्व पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि कर्म भीस्तु अज्ञानी क्रियते ज्ञानी तथैव कर्म भी कर्म भी स्वाप्यते जागर्यते तथैव कर्म भी। यह जीव कर्मों के द्वारा ही अज्ञानी किया जाता है और उसी प्रकार कर्मों के द्वारा ही ज्ञानी किया जाता है। कर्म भी ही स्वाविज्जयी कर्मों के द्वारा ही सुलाया जाता है, निद्रा को प्राप्त कराया जाता है और उसी प्रकार कर्मों के द्वारा ही जागृत होता है, जगाया जाता है। कर्मों से ही कम्य ही सुहाविज्जयी तहेव कम्य ही दुखा विज्जदी कर्मों से ही जीव सुखी किया जाता है और कर्मों के द्वारा ही दुखी किया जाता है, और कर्मों से ही जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होता है और कर्म से ही जीव असंयमी रहता है, यानी संयमी वृत्ति नहीं बन पाता है। ये सब कर्म की महिमा, कर्म का महत्व, कर्म ही ऐसा कर रहा है, एकांत मान्यता। तो जिनकी ऐसी मान्यता है उनका ये भी सिद्धांत है कि कर्म के द्वारा ही ये सुखी दुखी हो रहा है, तो कर्म के द्वारा ही अज्ञानी और ज्ञानी हो रहा है, तो कर्म ही इसके भोक्ता है। आत्मा अकर्ता भगवान आत्मा, और आनंद निमग्न होकर कुछ भक्तगण समय सारी झूमने लगते हैं और चिंतन करते हैं कि सब कर्म का ही खेल है, आत्मा भगवान आत्मा। भव्यात्माओं, निश्चय ने से बात सही है, लेकिन व्यवहार ने से हमें और आपको ये चिंतन करना है कि ये कहाँ तक महत्वपूर्ण है। कर्म सिद्धांत भी हमें और आपको पढ़ना अति आवश्यक है, कर्म सिद्धांत पढ़ना आवश्यक है। उसी प्रकार से न्याय ग्रंथ परीक्षा मुख है, आप परीक्षा आप मीमांसा आदि ग्रंथ, परमेय रत्नमाला आर्ष सहस्त्र आदि ग्रंथ, इनको भी पढ़ना चाहिए, जिससे कौन क्या कह रहा है, कौन एकांतवादी, क्षणिक एकांतवादी क्या कहते हैं और नित्य एकांतवादी क्या कहते हैं, शादवादी क्या कहते हैं, जैनाचार्य क्या कहते हैं। और कर्म सिद्धांत पढ़ना तो अति आवश्यक है, कर्मकांड ग्रंथ, गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ संक्षेप में, जिसका
छोटा रूप यानी कर्म की जो आठ मूल प्रकृतियाँ ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि और उनकी उत्तर प्रकृतियाँ जो 148 आदि उनके लक्षण सामान्य रूप में बाल विकास चौथे भाग में आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इनको पढ़े बिना हम और आप कर्म सिद्धांत को नहीं समझेंगे। तो कर्म सिद्धांत समझना भी आवश्यक है। तो जैनाचार्यों का अभिप्राय इतना ही है कि व्यवहार से जीव कर्म का करता है भोगता है, निश्चय से शुद्ध सिद्ध समान भगवान आत्मा न कर्मों का करता है और न भोगता है। तो जो एकांत पकड़ करके पुरुषार्थ से हीन वृत्ति नहीं बनते हैं, अपनी क्रियाओं में श्रावक की जो क्रियाएं हैं षट क्रियाएं देव पूजा गुरुपास्ती उसमें रुचि नहीं लेते हैं, देव पूजा गुरुपास्ती आदि को छोड़कर केवल स्वाध्याय साध्याय में लगे रहते हैं, ऐसे भी हैं आज निश्चयाभाषी एकांती, और ऐसे भी हैं जो केवल क्रियाकांड में ही अपने को रात दिन लगाए रखते हैं, तत्व का चिंतन ही नहीं करते हैं, कभी विचार ही नहीं करते हैं कि आत्मा के तीन भेद हैं बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा आदि, उनका नयों की अपेक्षा क्या लक्षण है समझते भी नहीं हैं। तो दोनों बातें एकांत से ठीक नहीं हैं, बात यही है। तो कर्म के उदय से ये जीव अज्ञानी होता है, कौन सा कर्म, ज्ञानावरण कर्म, उससे उसके उदय से अज्ञानी है। और जब ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम होता है, मति ज्ञानावरण श्रुति ज्ञानावरण आदि कर्म का क्षोभसम होता है तो ये ज्ञानी बनता है, और जब इनका क्षय हो जाता है तो केवल ज्ञानी बन जाता है। तो कर्मों के क्षय करने के लिए पुरुषार्थ तीर्थंकर भगवंतों ने किया है। तो उसी प्रकार से निद्रा नामक कर्म के द्वारा ये जीव सोता है और उसका कर्म का क्षोभसम होता है, उदयमंद होता है तो जगता है। यद्यपि देवों में भी निद्रा कर्म का उदय है, लेकिन वो सदा 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 काल जागृत ही रहते हैं, कभी सोते ही नहीं हैं, कभी उनको नींद ही नहीं लेना होता है। निद्रा कर्म का उदय है वो उस रूप परिणत नहीं होता है। द्रव्य क्षेत्र काल की सामग्री अपना प्रभाव डालती है, नरक में नारकी जीवों के भी निद्रा कर्म का तीव्र उदय है, पितला पितला स्थान ग्रंथि आदि का भी उदय है, निद्रा निद्रा का उदय है, लेकिन उनको कैसे नींद लेना है बताओ, प्रतिक्षण मार काट हाय हाय, तो उनको भी नींद नहीं लेना होता है, कभी चारे नींद ले ही नहीं सकते, एक क्षण के लिए भी नहीं सो सकते। मनुष्य पर्याय में और तिरंत योनि में निद्रा आदि देखी जाती हैं इनके कार्य। तो कर्म जब अपना फल देते हैं तो उदय में आकर फल देते हैं, तो अगर द्रव क्षेत्र काल आदि सामग्री अनुकूल है उनके तो फल, अन्यथा कभी भी उनका फल नहीं भी मिलता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं, आप मंदिर में बैठे हैं, तीन चार घंटे आपने नियम कर लिया, हमें जाप करना है स्वाध्याय करना है, भगवान के सामने बैठे हैं पूजा कर रहे हैं भक्ति में गदगद चार पाँच घंटे आप, और उसमें असाता का भी उदय आया, कुछ होनहार अघटित भी होनी थी आपकी टल जाएगी, असाता साता रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अरे धौला ग्रंथ में कहा है कि जिनेन्द्र भगवान के बिंब के दर्शन से निधत्त निकाचित आदि ऐसे कटु कर्म वो भी नष्ट हो जाते हैं, उनके सौ सौ टुकड़े हो जाते हैं भगवान के दर्शन से। इसलिए देव दर्शन का कितना महत्व है, आज तमाम लोग इस बात को नहीं समझते, वो समझते हैं हमें धन कमाना है तो मंदिर में हमारा टाइम बेकार जाएगा, चलो चलो दुकान चलो ऑफिस चलो अपनी फैक्ट्री है जो भी है चलो पहुंचो जल्दी। भव्यात्माओं अगर आपको धन को 10 गुना नहीं 100 गुना नहीं लक्ष गुना करना है, अधिक अधिक धनी बनना है तो भगवंतों की भक्ति मत छोड़ो, देव दर्शन मत छोड़ो। आज तो यहाँ कहते हैं कर्म से ही ये जीव सुखी होता है और कर्म के द्वारा ही दुखी किया जाता है, कर्म के द्वारा ही मिथ्या दृष्टि होता है और कर्म के द्वारा असंयमी होता है। तो हमें उन कर्मों से लड़ना है, पुरुषार्थ करना है, और कर्मों से लड़ करके पुरुषार्थ करके उन्हें मंद करना है, पुनः धीरे धीरे उन्हें नष्ट करना है। तो यही बात आगे कहते हैं, आप इसका पद्यानुवाद भी सुने। कर्मों के द्वारा ही आत्मा अज्ञानी है बनता, कर्मों के द्वारा ही आत्मा सम्यक ज्ञानी बनता, जीव आत्मा कर्मों के द्वारा ही सोता रहता है तथा कर्म के ही द्वारा जागृत आत्मा रहता है। बहुत स्पष्ट है,
कर्म के द्वारा जीव अज्ञानी है, कर्म के द्वारा ही ज्ञानी है, कर्म ही इसको सुलाता है, कर्म ही जगाता है आदि। यह आत्मा कर्मों के द्वारा सुखी दुखी बनता है, कर्मों से मिथ्यात्व अवस्था को भी प्राप्त करता है, तथा असंयम की प्राप्ति वे कर्म उसे करवाते, जीव इसी कर्मोदय से स्वभाव नहीं कर पाते। ये सब आत्मा कर्म के द्वारा सुखी दुखी, कर्म के द्वारा मिथ्या दृष्टि असंयम आदि, ऐसा सोचकर कितने ही लोग संयम ग्रहण नहीं करते हैं। कहते हैं कर्म कर्म का उदय, कम्मे ही भमा डिज्जयी उड्डमहम चावी तिरिय लो यम्मी कम्मे ही चेव किज्जयी सुहासुवम देत्यम किंची। कर्म फिर भ्राम्यते ऊर्ध मदश्चापी तिरियक लोके कर्म फिर चेव क्रियते सुहासुवम यावत किंचित। कर्म के द्वारा ही जीव ऊर्धलोक में अधोलोक में मध्यलोक में ले जाया जाता है, अर्थात अधोगति को कर्म से ही तो प्राप्त करता है, ये तो सही बात है। और कर्म से ही ऊर्ध्वगति को, कर्म से ही मध्यलोक को, मनुष्य तिरंज की योनि को प्राप्त करता है आदि। कर्म के द्वारा ये जीव चारों गतियों में भ्रमाया जा रहा है, चारों गति का भ्रमण कर्म के निमित्त से ही हो रहा है। यह कर्म सिद्धांत असत्य नहीं है, लेकिन एकांत लेना, आत्मा को अकर्ता कहना और संसारी अवस्था में पुरुषार्थ ना करके अकर्ता कह करके और पुरुषार्थहीन बनना, धार्मिक क्रियाओं में रुचि नहीं रखना, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना, इसका यहाँ निराकरण किया जा रहा है। गाथा 355 का पद्यानुवाद देखें आप। ऊर्ध अधो तिर्यंत लोक में जीव भ्रमण जो करता, उसको भ्रमण कराने में ही कर्म निमित्त ही रहता, जो कुछ शुभ अशुभ होता है वह भी कर्म कराता, प्रबल निमित्त इस जीवात्मा से सभी कर्म करवाता। ऊर्ध्वलोक में ये ले जाने वाला ये कर्म ही तो है, अधोलोक में ले जाने वाला कर्म ही है, तिरंत लोक में ले जाने वाला कर्म ही है। जब आप इस बात पर विश्वास कर रहे हैं तो भव्यात्माओं पुनः अधोलोक में जाने का पुरुषार्थ क्यों करें, ऐसा कर्म क्यों करें जो अधोलोक में जाना पड़े। ये बात सच है, और उसको भ्रमण कराने में कर्म ही निमित्त है। जो कुछ शुभ और अशुभ हो रहा है संसार में सब कर्म के निमित्त से ही तो हो रहा है। कुछ लोग कह देते हैं अरे मेरे द्वारा जो पाप हो रहा है, जो भी हो रहा है, झूठ हिंसा झूठ मायाचारी चोरी आदि, कर्म के निमित्त से मेरा कर्म का उदय। अरे उसे अशुभ कर्म को छोड़कर शुभ में प्रवृत्ति करना, ये पुरुषार्थ मनुष्य पर्याय में करना ही चाहिए। प्रबल निमित्त जीवात्मा से सभी कर्म करवाता, यहाँ तक तो ठीक है, फिर भी हमें एकांत नहीं ग्रहण करना है। मैना सुंदरी का उदाहरण स्पष्ट है, कर्म सिद्धांत। पिता से पुत्री का विवाद हो गया, पिता ने कह दिया, कथा संक्षेप में ही मैं देखूंगी आपके सामने, बहुत प्रसिद्ध है। पिता ने कह दिया तू मेरे राजघराने में मेरी लाडली पुत्री, और वो कहती है मेरा पुण्य कर्म था जो आपके घर में पैदा हुई, राजपुत्री हुई आदि। विवाद हो गया, पिता ने कुष्ठीपति के साथ विवाह कर दिया, श्रीपाल कुष्ठी कोढ़ रोग जिसके भयंकर, किंतु राजपुत्र था, चंपापुरी के राजा का बेटा। किंतु मैना सुंदरी ने पुरुषार्थ किया, असाता को अपने पति के कुष्ठ को रोग को नष्ट करने के लिए गुरु से प्रार्थना की, गुरु ने उसे सिद्ध चक्र विधान अनुष्ठान का उपदेश दिया, उसने अनुष्ठान किया और अपने पति के ऊपर कुष्ठ जो रोग भयंकर था गंधोदक छिड़क करके पति को स्वस्थ कर दिया। सुंदर कामदेव सुंदर। और इतना ही नहीं, 700 जो उसके साथ योद्धा थे, उस राजकुमार के साथ योद्धा थे 700, सबके सब कोढ़ी थे, सबके सब कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, सबको स्वस्थ कर दिया। पुरुषार्थ, सिद्ध चक्र विधान अनुष्ठान का फल, फल पायो मैना रानी। मंदिर मंदिर में हर एक जगह भजन गाया जाता है। तो भव्यात्माओं ये पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ करके कुष्ठ रोग नष्ट होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुरुषार्थ करके कितने ही महापुरुष, अरे अंजन चोर ने पुरुषार्थ किया, दीक्षा ले ली, जैनेश्वरी दीक्षा ले ली, तपस्रण किया तो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। पुरुषार्थ करके ही तो तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव महावीर आदि, पुरुषार्थ करके ही तो तीर्थंकर बने हैं और परमात्मा बने, भगवान
परमात्मा सिद्धालय में विराजमान है, जिनकी हम और आप पूजा करते हैं। पुरुषार्थ बहुत बड़ा पुरुषार्थ भव्यात्मा, तो बात यही है कि एकांत ग्रहण करना ही दोषास्पद है। एकांत ग्रहण नहीं करना, आत्मा क्या करूं मेरे कर्म का उदय। कई लोग आकर ऐसा कहते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, विलखते हैं और कहते हैं क्या करूं मेरे पाप कर्म का उदय। अरे पाप कर्म के उदय को पुनरूप परिवर्तित करो, प्रमाद मत करो। और क्या है उसके लिए सबसे बड़ी है, तो भगवंतों की भक्ति, पूजा, अनुष्ठान, मंत्र जाप। मृत्युंजय विधान किस लिए है? अकाल में होने वाली मृत्यु, असमय में होने वाली मृत्यु का योग, अकाल मृत्यु का योग मृत्युंजय विधान, मृत्युंजय अनुष्ठान से मिट जाता है, दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और अगर आयु उतनी ही है तो नहीं मिटेगा, लेकिन अनुष्ठान आदि के निमित्त से देवगति प्राप्त हो जाएगी। तो दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है। तो भव्यात्माओं, व्यवहार ने से जीव कर्मों का करता है, तो व्यवहार ने का अवलंबन लेकर के हमें और आपको अपनी आवश्यक क्रियाओं में प्रमाद नहीं करना चाहिए। निश्चय ने से जीव अकर्ता है, तो निश्चय ने का अवलंबन लेकर के चित्त चेतन स्वरूप भगवान आत्मा की शक्ति, उसको पहचान करके उसका ध्यान करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। यही समय सार का सार है। आपके जीवन में ये अवतरित हो, यही प्रेरणा और मंगल।